Hi friends, in this video we will discuss some question based on Gauss Divergence Theorem. ठीक है, so उससे पहले Gauss Divergence Theorem क्या होता है वो देख लेते हैं. ठीक है, so Gauss Divergence Theorem क्या बोलता है कि अगर F हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है, और अगर हम उसका नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल निकाले ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द बाउंड्री एस, और वो जो होगा वो एक क्लोज्ड रीजन होगा, तो दैट इज हमारा एफ डॉट एन डी सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द रीजन डी एंड उसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ dv के बराबर. दैट इज f डॉट n d सिग्मा इज इक्वल टू डाइवर्जेंट डॉट f dv होगा. ठीक है, दैट इज हम यहाँ डबल इंटीग्रल से ट्रिपल इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो इसको यूज हम लोग इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमको जो सरफेस एरिया निकालने बोलता है कोई इंटीग्रल का, तो हमको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दैट इज ये वाला जो फॉर्मूला है उससे हम इजिली निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलता है कि लेट एफ बी अ वेक्टर फील्ड, एफ एक वेक्टर फील्ड है, देन द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ, उसका जो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल होगा ओवर वेक्टर एफ का, दैट इज वेक्टर फंक्शन एफ का ओवर द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन, दैट इज हमारा कोई भी क्लोज्ड रीजन का जो बाउंड्री होगा हम उसमें सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे, तो वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ दैट इज ग्रैड डॉट एफ ओवर द रीजन डी, दैट इज हमको जो रीजन डी दिया रहेगा इंक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, नाउ उसके बाद अगर हमको पूछा, दैट इज ये तो हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, अगर हमारा इंटीग्रल एफ डॉट एन डी सिग्मा पूछा, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करेंगे. अगर हमको इंटीग्रल ऐसा फॉर्म में दिखे, दैट इज एफ डी एक्स डी जेड एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई, एंड हमको उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है ओवर द रीजन एस, तो वो इक्वल टू हम क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल डेल एफ वन बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाय डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस हम करेंगे. ठीक है, नाउ ग्रेडियंट एफ क्या होता है, दैट इज डाइवर्जेंट एफ क्या होता है, ग्रेडियंट इन टू एफ. ठीक है, सो डाइवर्जेंट एफ क्या हो जाएगा, डेल एम बाय डेल एक्स प्लस डेल एन बाय डेल वाई प्लस डेल पी बाय डेल जेड, वेयर जो एफ है वो इक्वल टू होगा एम आई प्लस एन जे प्लस पी के. सो एम एन और पी को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको प्लस करेंगे हमको डाइवर्जेंट डॉट एफ का वैल्यू. ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए. सो द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, दैट इज हमको वैल्यू निकालना है एफ डॉट एन डी एस का, वेयर जो हमारा वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है वो इक्वल टू दिस दिया है, दैट इज थ्री एक्स आई प्लस टू वाई जे प्लस जेड के, एंड एस इज द क्लोज्ड सरफेस दिया हुआ है गिवन बाय द प्लेन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू जीरो जेड इज इक्वल टू थ्री इज, दैट इज हमको f डॉट एन डी सिग्मा का वैल्यू निकालना है. f दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है जो कि दिस 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 प्लेन से बाउंड कर रहा है, उस सरफेस का जो कि एक क्लोज सरफेस है उसका हमको वैल्यू निकालना है, दैट इज इंटीग्रल निकालना है. ठीक है, सो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दैट इज बाय GDT वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस, इसका वैल्यू निकालना है तो हमको GDT अप्लाई करके हम इजिली इसको निकाल सकते हैं. सो बाय अप्लाइंग GDT वी हैव वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ दैट इज ग्रैड डॉट एफ ओवर द रीजन डी इंक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है, सो ग्रैड डाइवर्जेंट एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं. सो डाइवर्जेंट एफ क्या बोले थे हम, डेल एम बाय डेल एक्स
प्लस डेल वाई, डेल एम बाय डेल वाई प्लस डेल पी बाय डेल जेड. सो हमारा एम एन और एन ये है, दैट इज इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा. सो ये हो जाएगा 3. इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2. एंड इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1. तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6. दैट इज हमारा डाइवर्जेंट f का वैल्यू आया 6. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डायरेक्टली लिमिट हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0 से 1, y इज इक्वल टू 0 से 1 एंड z इज इक्वल टू 0 से 3. ठीक है. नाउ यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंट f हम निकाल दिए. अब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 एंड 0 से 3. सो ये हो जाएगा 6 dx dy dz. ठीक है. नाउ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना होगा dx का, तो ये हो जाएगा x और लिमिट्स चलेगा 0 से 1. सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, दैट इज 6 आएगा बाहर. नाउ y के रिस्पेक्ट में अब हमको इंटीग्रेट करना होगा. सो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, और हमारा यहाँ लिमिट चलेगा 0 से 1. सो 0 से 1 हो गया. सो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी नो चेंज. नाउ फिर हमको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना होगा, दैट इज dz का. सो dz का हो जाएगा z और इसका लिमिट्स चलेगा 0 से 3. इसका लिमिट्स था 0 से 3, तो ये हो जाएगा 0 से 3. सो ये हो जाएगा 6 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 18. दैट इज हमारा वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आया 18. ठीक है. सो कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ f, दैट इज हमारा वेक्टर फील्ड दिया हुआ है दिस, दैट इज x स्क्वायर जेड i प्लस वाई जे माइनस एक्स जेड स्क्वायर के एंड एस इज द सर्फेस ऑफ द क्लोज सिलेंडर. हमारा एक सिलेंडर दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो सर्कल का इक्वेशन है पर यहाँ पे सिलेंडर बोला है, तो होता क्या है जब इसको हम 3D प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये वाला सर्कल एक्सपेंड होके आगे और स्पेंड होके दैट इज नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ और पॉजिटिव जेड एक्सिस के तरफ बढ़ते जाएगा. और हमारा जो यहाँ पे बाउंडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो उसको ड्रॉ करेंगे. मतलब हमको इस सरफेस निकालना है, दैट इज ये वाला जो सरफेस हमको मिल रहा है उसमें हमको एफ डॉट एन डी सिग्मा का वैल्यू पूछा है, दैट इज हमको ये निकालना होगा. सो इसमें भी बायजीरिटी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो बायजीरिटी वी हैव दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंट एफ डी वी. नाउ डाइवर्जेंट एफ क्या हो जाएगा, एम एन और पी को एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सो ये वाला टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2xz. ये वाला टर्म को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2xz. सो हम इसको अब वैल्यू पुट कर देंगे डाइवर्जेंट एफ में, तो ये हो जाएगा 2xz और -2xz कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1. दैट इज हमारा डाइवर्जेंट डॉट एफ का वैल्यू आया है 1. और हम लिमिट्स पुट करेंगे जेड इज इक्वल टू 0 से 4. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को पोलर फॉर्म से करेंगे तो ये और भी इजी हो जाएगा. दैट इज एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा पुट करेंगे तो हमको आर मिलेगा 0 से 4, दैट इज रेडियस हमारा 4 था, और थीटा चलेगा 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल में, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा सर्कल ले रहे हैं, दैट इज सिलेंडर ले रहे हैं, तो थीटा जो है वो 0 से 2 पाई पूरा रोटेट कर रहा है. सो थीटा चलेगा 0 से 2 पाई एंड ये हो जाएगा आर डी आर डी जेड आर डी आर डी थीटा. ठीक है. सो अब इसको सॉल्व कर देंगे. सो ये हो जाएगा जब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे डी जेड का तो ये हो जाएगा जेड, दैट इज लिमिट चलेगा 0 से 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4. सो 4 को बाहर. अब r को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r स्क्वायर बाई 2. लिमिट्स चलेगा 0 से 4, तो हम यहाँ पे ये हमारा 2 को बाहर कर देंगे. सो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा r स्क्वायर दैट इज यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 16 ही आएगा. नाउ इसके बाद अब हम लोग को थीटा को डिफ्रेंश इंटीग्रेट करना है,
डी थीटा को, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा और लिमिट्स चलेगा 0 से 2 पाई, सो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 पाई, नाउ ये हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32, 32 इंटू 2 दैट इज 64 पाई विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ डॉट एन डी सिग्मा इज इक्वल टू 64 पाई. ठीक है, नाउ और एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज सो दैट द सर्फेस इंटीग्रल एस, दैट इज सर्फेस इंटीग्रल जो हमारा दिया हुआ है वो है डबल इंटीग्रल एस एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू दिस, दैट इज हमारा ये जो सर्फेस इंटीग्रल दिया हुआ है प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू है वो 4 पाई ए स्क्वायर है, वेयर जो एस है वो हमारा स्फीयर है, स्फीयर का हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज हमारा स्फीयर का जो रेडियस है वो दिया हुआ है ए. ठीक है, तो इसका जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, रेडियस है ए तो ये हो जाएगा इधर ए इधर ए. ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के हम पहले ही समझ जा सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस फॉर्म में, दैट इज एफ वन डी एक्स डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई. ठीक है, सो हम यहाँ से एफ वन एफ टू और एफ थ्री वाला वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे और ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो हमको इस इंटीग्रल का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज हमारे पास एफ वन है एक्स, एफ टू है वाई एंड एफ थ्री है जेड. ठीक है, ये हो गया एफ वन, ये हो गया एफ टू एंड ये हो गया एफ थ्री. सो बाई जी डी टी वी हैव एफ वन डी एक्स डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई ओवर एस इज इक्वल टू द ट्रिपल इंटीग्रल वी ओवर वी डेल एफ वन बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाई डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड. सो हमारा एफ वन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वन, इस एफ टू को विथ रेस्पेक्ट टू वाई जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी हो जाएगा वन एंड एफ थ्री को जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी हो जाएगा वन. सो वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा ओवर एंड वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है ओवर रीजन डी या वी जो भी हमारा रीजन रहेगा. पर हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो है हमारा जो इंटीग्रल है कोई फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम निकाल रहे हैं किसका, स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज थ्री इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और यहाँ पे आर है हमारा ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब दैट इज 4 बाई थ्री पाई ए क्यूब, थ्री थ्री कैंसिल इज इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब विच वी हैव टू प्रूव, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे.